दोस्तों, जिस फोन का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो फोन आखिर में आने ही वाला है बहुत ही जल्दी। मैं बात कर रहा हूँ Asus Zenfone Max Pro M3 5G के बारे में। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, क्या क्या हमें इसमें इंटरेस्टिंग फ्यूचर देखने को मिलेगा, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी और ये इंडिया में कब तक मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हमें मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ का एक 5G पावरफुल प्रोसेसर। उसी के साथ में दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, 6.5 इंचेस का एक फुल HD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला कॉर्निंग विक्टस का सपोर्ट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर हम कैमरे के बारे में बात करें, जो कि हमें ट्रिपल रियर कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल +12 मेगापिक्सल +5 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ फ्रंट कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करें, तो 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, विद 18 वोल्ट का एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा टाइप सी के साथ में। दोस्तों अगर बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो हमें दो वेरिएंट का देखने को मिल जाएगा, यानी कि 64 GB इंटरनल 4 GB रैम, वही दोस्तों 128 GB इंटरनल 6 GB रैम, दो वेरिएंट का हमें देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों अभी फाइनली बात कर लेते हैं, इस पे हमें फिंगरप्रिंट कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों साइड रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये हमें जिसका बेस वेरियंट है 64 GB और 4 GB रैम वाला, वो हमें सिर्फ और सिर्फ 999 पे देखने को मिलेगा और इंडिया में काफी जल्दी यानी कि अगस्त 2022 तक देखने को मिल जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये Asus Zenfone Max Pro M3।